नमस्कार, मैं हूं विदिशा और आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार सत्य परमो धर्म। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। चंद्रपुर बाजार पेट आज से नियमित रूप से शुरू। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए व्यापारियों ने स्वेच्छा से सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रखने का लिया निर्णय। और लॉकडाउन उठते ही बाजार में अनियंत्रित भीड़ दिखाई दी, तीसरी लहर का खतरा। आइए देखते हैं समाचार विस्तार से। चंद्रपुर बाजार पेट आज से नियमित रूप से शुरू। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए व्यापारियों ने स्वेच्छा से सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानें खुली रखने का लिया निर्णय। कोरोना वायरस के मामले में गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने तालाबंदी के आदेश में पाबंदियों में ढील देने का आदेश जारी किया है। 5 सत्रों में घोषित नियमों के अनुसार चंद्रपुर जिले को लेवल 1 में शामिल किए जाने से जिला कलेक्टर अजय गुलाने ने चंद्रपुर जिले में आवश्यक एवं गैर जरूरी दुकानें 7 जून 2021 से शुरू करने की अनुमति दी है। इसलिए भले ही बाजार अब सोमवार से नियमित रूप से खुला है, लेकिन व्यापारियों ने स्वेच्छा अपनी दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक खुली रखने का फैसला किया है, ताकि कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जवाबदारी ली जा सके। साथ ही जिले के सभी कारोबार सदस्यों को भी निर्णय का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी के तहत आज चंद्रपुर का पूरा बाजार खुलकर वह रौनक और व्यापारियों के चेहरे पर खुशी दिखाई दी। आवश्यक और गैर आवश्यक सेवाएं नियमित मुताबिक आज से दुकानें, प्रतिष्ठानें, सार्वजनिक स्थान, खुले मैदान, पैदल चलना, साइकिल चलाना, सभी प्रकार के निजी कार्यालय, निशानेबाजी, बैठकें, चुनाव, स्थानीय अधिकारियों और सहकारी समितियों की सार्वजनिक बैठकें, निर्माण कृषि संबंधी कार्य नियमित रूप से जारी रहेंगे। साथ ही ई कॉमर्स, सार्वजनिक क्षेत्र की बस परिवहन, माल ढुलाई, अंतर जिला यात्री परिवहन नियमित रूप से जारी रहेंगी। हालांकि अगर यात्री लेवल 5 से अधिक आ रहा है तो ई पास जरूरी होगा। इसके अलावा उत्पादन निर्यात प्रदान करने वाला उद्योग नियमित आधार पर जारी रहेगा। विनिर्माण, कमोडिटी उत्पादन इकाइयां, सतत प्रसंस्करण उद्योग, राष्ट्रीय सुरक्षा रक्षा के लिए वस्तुओं का उत्पादन, डाटा सेंटर, क्लाउड सेवा प्रदाता, सूचना और प्रौद्योगिकी सेवाएं, जटिल बुनियादी ढांचा सेवाएं, विनिर्माण क्षेत्र में उद्योग और सेवाएं नियमित रूप से जारी रख सकते हैं। मॉल, थिएटर, रेस्टोरेंट, सामाजिक सांस्कृतिक मनोरंजन कार्यक्रम, शादी समारोह, ऑडिटोरियम की 50% क्षमता हालांकि अधिकतम 100 व्यक्तियों तक सीमित संख्या के साथ शुरू रहेंगे। जिम, सलून, हेयर सलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, वेलनेस सेंटर में अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक होगा। अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 लोगों की अनुमति है। कोरोना व्यवहार का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके लिए मास्क का नियमित उपयोग, सामाजिक दूरी का पालन, ग्राहकों के लिए साबुन या हैंड सैनिटाइजर लगाने की आवश्यकता होगी। इन नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रतिष्ठान दुकानें बंद कर दी जाएगी। पूर्व में जारी आदेश के अनुसार अर्धदंड भी लिया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर आपदा प्रबंधन नियम 2005 की धारा 188 और भारतीय दंड संहिता 1860 के साथ साथ संचारी रोग नियंत्रण अधिनियम 1897 के तहत मुकदमा लगाया जाएगा। यह आदेश 7 जून 2021 से अगले आदेश तक चंद्रपुर जिले के संपूर्ण क्षेत्राधिकारी में लागू रहेगा। इसका उल्लेख जिलाधिकारी अजय गुलाने के आदेश में हुआ है। निर्णय अभिभाव मंत्री के साथ साथ सभी जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और व्यापार संघों की सहमति ले ली गई है। आइए देखते हैं चंद्रपुर बाजार की एक झलक और सुनते हैं कुछ व्यापारियों की प्रतिक्रिया है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है, जो उनकी रिक्वायरमेंट खत्म हो रही है, जो एक डिमांड थी पब्लिक की वो फुलफिल हुई है, बहुत ही अच्छी बात है। और लॉकडाउन होने के बाद जो एक पब्लिक के अंदर जो आनंद और उत्साह का वातावरण है वो बहुत ही इसके पहले हमने कभी नहीं देखा। पहले लॉकडाउन में भी उतना अच्छा पब्लिक का रिस्पांस मिल रहा है, अच्छी बात है। मार्केट पूरी खुल गई और चंद्रपुर हमारा फर्स्ट स्टेज के अंदर है, बहुत ही यानी खुशी की बात है वो। पर अभी जिस तरह से भीड़ हो रही है, अभी पहला ही दिन है और बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पर उमड़ रहे हैं, तो उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि तीसरी लहर की भी संभावना बढ़ सकती है इससे। यस, हाँ, तीसरी लहर की संभावना, अभी जो रिव्यूज़ आ रहे हैं मार्केट के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट के, डॉक्टर्स के, मगर ये सिर्फ 4 घंटा खोल के पब्लिक और ज़्यादा होती है, टाइम अगर लिमिट ज़्यादा दिया तो पब्लिक उतनी स्प्रेड हो जाएंगी, तो एक साथ पब्लिक नहीं निकलेंगी, तो फिर भी 5 बजे तक दिया अच्छा है, और 1-2 घंटे बताया नहीं, बड़ा फ़र्क नहीं। मगर हाँ, एक बात है कि पब्लिक खुद अवेयर है
सैनिटाइज हो रही है, सैनिटाइजर मांग रही है दुकान में आने के बाद, और बगैर मास्क को कोई भी हमारे पास अभी तक कोई आया नहीं है, तो उतना फर्क गिरा है। और भगवान करे दोबारा कोई चांस नहीं है चंद्रपुर के अंदर, तो इतनी अच्छी पब्लिक है, इतना अवेयरनेस हो रहा है, तो धन्यवाद मैडम। ये तो अच्छी बात है, बट स्थितियाँ भी गवर्नमेंट के मुताबिक कंट्रोल में कोरोना की आनी चाहिए, और कोशिश ये रहे गवर्नमेंट की भी ताकि आगे फ्यूचर में इस तरीके की दिक्कत ना आए, बिकॉज कि व्यापारियों को इतने दिन लॉकडाउन के कारण बहुत ज़्यादा परेशानी हुई, इतने दिन घर पे बैठना, EMI, किराए, घर खर्चे, बच्चों के स्कूल फीस, वो तो सब मैडम लागू ही है। सर, इतने दिनों बाद चंद्रपुर में लॉकडाउन खुल गया है, तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, लॉकडाउन खुल गया है तो एक तो अभी काफ़ी खुशी की बात है, 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा था, व्यापारियों की थोड़े से हाल गंभीर हो रहे थे, और साथ में जो कस्टमर लोग हैं उनको भी थोड़ा सा तकलीफ़ हो रही थी, पर चलो देर आई दुरुस्त आए, और आज बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। धन्यवाद। अभी 2 महीने तक लॉकडाउन था, उसके बाद आज मार्केट खुला, आज रश अच्छी दिख रही है मार्केट में, और सबते जो भी व्यापारी मंडल है सबते इस पर खुशी दिख रही है, जो 2 महीने से व्यापारी मंडल घर पे बैठे थे, हमारे को भी टाइम था 7 से 11 बजे तक, हम लोगों को माल नहीं दे सकते थे टाइम के कमी के, बस मार्केट खुल गया अच्छी बात है, 5 बजे का टाइम भी दिया, लोगों को राहत हो गई, अभी अपने टाइम पे बराबर आएंगे, कपड़े लेंगे, पर मार्केट में भीड़ भी अच्छी लगी, अभी इतने दिन से बाद खुलने के बाद अच्छी भीड़ लगी है मार्केट में, सबको बढ़िया लग रहा है, व्यापार भी खुश हो गए। सर, माननीय कलेक्टर जी का तहे दिल से धन्यवाद, माननीय पालक मंत्री जी, माननीय सुधीर भाऊ मुनगंटीवार जी, माननीय किशोर भाऊ जोरगेवार जी, सभी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो उन्होंने हमें 7 से 5 का टाइम दिलाया, और हम सब व्यापारी भी कोरोना के पालन तरीके से करेंगे, और सभी ग्राहकों को ध्यान रखेंगे, बिना मास्क के हम दुकानों में एंट्री नहीं देंगे, और तहे दिल से राजेश नायडू भैया और पासर न्यूज़ चैनल का भी तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, हम भी हमारे साथ है फेडरेशन ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के प्रेसिडेंट रामकिशोर सारडा जी, तो आइए सुनते हैं उनकी प्रतिक्रिया। आज से सर महाराष्ट्र में चंद्रपुर ज़िले में लॉकडाउन खुल गया है और सारे प्रतिष्ठानें भी खुल गई है, तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? नेचुरली हमारे बिजनेस बंद थे, सब लोग परेशान थे, अगर आज दुकानें खुली है, लोग अपना अपना व्यापार कर पा रहे हैं, तो खुशी तो ही है, और साथ में मतलब एक कोरोना का डर भी है, तो उसको देखते हुए दोनों को बैलेंस करते हुए हम लोग हमारा काम कर रहे हैं। और सरकार ने आज से 5 बजे तक का सरकार ने आज से 7 बजे तक का टाइम दिया था आपके लिए, बट आपने इसे 5 बजे तक का ही रखा, क्यों ये बताइए। हमारा प्रशासन के तरफ से, हम लोग चंद्रपुर जिला Level 1 में था, हमारे में पूरे निर्बंध हट चुके थे, चाहे हम रात का जो पुराना टाइम था 9 बजे तक का हम खुला रख सकते थे, किंतु हम जिलाधिकारी ने भी आह्वान किया और हम लोगों ने भी सोचा कि यदि ये लेवल अगर हम पूरा खोल देते हैं, समय बढ़ा देते हैं, तो लोगों की मानसिकता हो जाएगी कि अब पूरा खुल गया, कोरोना चले गया, तो कुछ ना कुछ निर्बंध रहे तो लोगों को ऐसा लगता है कि भाई कोरोना अभी भी है, और ये ऐसा ना हो कि भीड़ बढ़ने से एकदम बहुत ज़्यादा ये होने से Level 1 से हट के फिर से Level 2-3 पे चले जाए, और फिर से यदि कोरोना आ जाता है तो फिर से निर्बंध लग जाएंगे, तो हमेशा के लिए एक अच्छा लोगों के लिए हमारे लिए एक बीच का रास्ता था, तो इसलिए हमने उसको समय को हम 9 से 5 बोल रहे थे, जिलाधिकारी साहब ने बोले कि इसको 7 से 5 करो, तो सुबह सुबह के जो सब्जी वाले हैं ये हैं सब कवर हो जाते, तो उनका प्रस्ताव हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा भी उन्होंने मान रखा और दोनों ने मिलकर ये तय किया है, जैसे पिछली बार हमने जनता कर्फ्यू रख किया था खुदों के, वैसा उसी तरह से इस बार हमने ये किया है कि जैसे शायद महाराष्ट्र में शायद पहला कोई संगठना होगी कि पूरे के पूरे हमको खुली छूट मिलने के बाद में हमने खुद होके अपने भी निर्बंध लगा लिया हो। लॉकडाउन उठते ही बाजार में अनियंत्रित भीड़ दिखाई दी, जिससे तीसरी लहर का खतरा हो सकता है। आज दिनांक 7 जून से महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई। इसमें 5 लेवल अनुसार शहरों को खोलने के नियम बनाए गए। जो शहर Level 1 में आते हैं उन्हें संपूर्ण व्यवसाय और व्यापार शुरू करने की छूट दी गई, जहां पर संक्रमण दर 5% से कम हो और ऑक्सीजन बेड 75% से अधिक खाली हो, ऐसे शहरों या जिलों को Level 1 में लिया जा रहा है।
चंद्रपुर शहर लेवल एक में आने की वजह से आज संपूर्ण तरह से बाजार पेट व्यवसाय और व्यापार के साथ शुरू हो गया। जहां पर बाजार खोलने की व्यापारियों को और जनता को खुशी थी, वहीं पर चंद्रपुर में आज सुबह का नजारा देखकर कई लोग डर गए। सड़कों पर जैसे जन सैलाब उमड़ गया था। लोग जैसे भूल ही गए थे कि कभी यहाँ पर कोरोना वायरस जैसी कोई बीमारी भी थी। चारों ओर भीड़ ही भीड़ नजर आ रही थी। यहाँ तक कि कई रास्ते ट्रैफिक की वजह से ब्लॉक हो रहे थे। साथ ही साथ ट्रैफिक विभाग को कई गाड़ियों को चालान भी करना पड़ा। लग रहा था जैसे दिवाली या ईद का त्यौहार हो। लोगों में कोरोना के प्रति डर या जागरूकता बहुत ही कम नजर आ रही थी। यह बात खतरनाक साबित हो सकती है। और जहाँ पर लेवल वन में आने की वजह से चंद्रपुर को व्यापार शुरू करने की अनुमति मिली है, वहाँ पर इस भीड़ भड़क्का के वजह से अगर संक्रमण दर फिर से बढ़ गई तो तीसरी लहर का खतरा बन सकता है और एक बार फिर बाजार व्यवसाय और शहर लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकता है। व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राम किशोर सारडा जी ने भी इसके प्रति चिंता व्यक्त की और कुछ और व्यापारियों ने भी अपना आक्षेप जताया। उनका कहना था कि शाम 5 बजे तक समय की अनुमति देने के बजाय रात 8 से 9 तक अनुमति देने से भीड़ रोकी जा सकती है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। पार्थशर समाचार की जनता से अपील है कि वे संयम रखें और यह न भूले कि कोरोना वायरस अभी समाप्त नहीं हुआ है। साथ में म्यूकोर माइकोसिस जैसी गंभीर संक्रमण वाली बीमारी साथ में चल ही रही है, इसलिए भीड़ करने से बचे। जरूरत होने पर ही बाजार जाए। मास्क और सैनिटाइजर का पूरा पूरा उपयोग करें, अन्यथा हम तीसरी लहर के शिकार हो सकते हैं। मैडम, लॉकडाउन खुल रहा है ये तो अच्छी बात है, बट लॉकडाउन का जो टाइमिंग है वो स्टार्ट करीबन सवेरे 8 से रात को 8 बजे तक का रहे तो ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज कि उसके पीछे रीज़न है कि जो कम समय के कारण जो पब्लिक को टाइम मिल रहा है वो बहुत ही कम टाइम मिल रहा है और गर्दी बढ़ रही है। अगर ज़्यादा समय रहेगा तो पब्लिक आराम से अपने मुताबिक अपने कन्वीनियंट टाइमिंग के मुताबिक आकर परचेसिंग कर सकती है। पर अभी जिस तरह से भीड़ हो रही है, अभी पहला ही दिन है और बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पर उमड़ रहे हैं, तो उस बारे में क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि तीसरी लहर की भी संभावना बढ़ सकती है इससे। यस, हाँ, तीसरी लहर की संभावना अभी जो रिव्यूज़ आ रहे हैं मार्केट के अंदर बड़े बड़े साइंटिस्ट के डॉक्टर्स के, मगर ये सिर्फ 4 घंटा खोल के पब्लिक और ज़्यादा होती है, टाइम अगर लिमिट ज़्यादा दिया तो पब्लिक उतनी स्प्रेड हो जाएंगी तो एक साथ पब्लिक निकलेंगी तो फिर भी 5 बजे तक। अभी हमने देखा कि सड़कों पर काफ़ी ज़्यादा जनसैलाब उमड़ के आया है, तो इससे तीसरी लहर का खतरा और बढ़ सकता है, तो इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपका प्रश्न एकदम बहुत ही वाजबी है कि भीड़ से ही कोरोना फैल रहा है, लेकिन आज एक दिन ऐसा था कि बहुत दिनों के बाद में लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ें थी, जो राह देख रहे थे एकदम, वो लोगों ने आ गया है। ये भीड़ शायद एक दो दिन में कम भी हो जाएगी। आज शाम को हमारी जिलाधिकारी साहब से एक अपॉइंटमेंट भी है, हम उनसे बात करेंगे और हमारे व्यापारी भाइयों से भी एक बार बात करके इसका भी एक सोल्यूशन जरूर निकालने की कोशिश करेंगे कि बाज़ार में भीड़ कम हो। और हमारे सदस्यों को हम पूरा निर्देश दे रहे हैं कि भाई अगर भीड़ होती है तो कम से कम उसको कंट्रोल करें या उनको रिक्वेस्ट करें कि थोड़ी देर के बाद में आए। और एक समय बढ़ाने का भी प्रस्ताव है, समय बढ़ा हो सकता है 2-3 दिन के लिए, हम लोग समय पूरा कर दें फिर कम कर दें, तो सब मिलकर जो चर्चा होगी, जो निष्कर्ष निकलेगा अच्छे से अच्छा, उसको हम पालन करेंगे। धन्यवाद।